विदेशों में आकर्षक पैकेज पर नौकरी और बेहतर भविष्य की संभावनाएं आज के युवाओं की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। युवाओं की यही अभिलाषा कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गई है। यह वे लोग हैं जो अच्छी नौकरी का विज्ञापन समाचार पत्रों में छपवाकर अपना जाल बिछाते हैं और जब कोई इस जाल में फंसता है तो फिर उसका वहां से बाहर निकलना असंभव हो जाता है। कुछ इसी तरह के झांसेबाजों के चंगुल में फंसा हुआ है अजमेर का जतिन पारवानी, जो सुनहरे भविष्य की कामना के साथ अफ्रीका के फ्री टाउन गया, लेकिन अब उसके लौटने का इंतजार उसके परिजन कर रहे हैं। अशोक पारवानी ने अपने पुत्र जतिन पारवानी को विगत 15 मार्च 2013 को केनिया एयरलाइंस से अफ्रीका के फ्री टाउन के लिए रवाना किया था। जतिन को फ्री टाउन की एसवी इलेक्ट्रिकल्स में नौकरी मिलने की खुशी तो अशोक पारवानी को थी ही, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा जतिन एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहा है जो मुसीबतों भरा है। असलियत का खुलासा जतिन के अफ्रीका जाने के लगभग 7 महीने बाद उस समय किया जब जतिन अपने नियोक्ता सुरेश वतनामी के चंगुल से कुछ देर के लिए आजाद हुआ। जतिन ने अपनी जो आप भी थी अपने पिता को सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी। अशोक के अनुसार जतिन को फ्री टाउन में बद्दुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है, वहां उसके साथ मारपीट की जाती है। हालात इतने बदतर हैं कि काम करते समय जतिन की उंगली कट गई, इस बात की जानकारी भी परिवार वालों को नहीं दी गई। 7 माह में 4 बार बात हुई तो उसने मुझे बताया कि हम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उसका कहना ये था कि उसके बॉस उसको पास में खड़ा होकर बात करवाते थे। 7 माह बाद बेटे को बाहर निकलने का मौका मिला, तब उसने बताया कि पापा मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, हमें यहाँ ना तो खाना पीना दिया जाता है ना ही रहने की उचित जगह है, हमारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, कृपा करके जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकालिए। मैंने हाथों हाथ उनके बॉस को फोन द्वारा सूचना दी कि आप प्लीज कृपा करके हमारे बच्चे को वापस रवाना करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे को रवाना कर दूंगा। आज मेरे बच्चे को वहां गए हुए 18 माह हो चुके हैं, 18 माह में लगभग 35 मेल द्वारा मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, तो वो मुझे बार बार यही कहते हैं कि आज 15 दिन में भेज देंगे, 10 दिन में भेज देंगे, 20 दिन में भेज देंगे। मैंने 11 माह तकलीफें देखने के बाद इंडियन एम्बेसी जो कि फ्री टाउन सिटी के अंदर है, मैंने उनका सहारा लिया तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे कार्यवाही की, लेकिन वहाँ ऐसा कौन ना जाने कौन सा जो है इन्होंने किया काम जो मेरा बच्चा आज भी वहीं अटका हुआ है, आज तक नहीं आया। अब मैं उम्मीद मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे को मेरी शक्ल दिखा दीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत सीरियस हो चुकी है, हॉस्पिटल में है और मैं उनका इलाज करा करा के इस 11 माह में थक चुका हूं। जतिन की माँ आज उस दिन को कोस रही है जब उसने अपने 2 बेटियों के हाथ पीले करने की मजबूरी के चलते अपने जिगर के टुकड़े को 7 समुंदर पार अफ्रीका भेजने का निर्णय लिया। अब वीना पारवानी का बुरा हाल है, वो अब भगवान से बस यही दुआ करती है कि उसका बेटा सहकुशल घर आ जाए, लेकिन अब उसका विश्वास भगवान से भी उठने लगा है। सर बच्चे को गए हुए तो 13 महीने हो गए, एजेंट के थ्रू गया था और एजेंट ने उसे बैदा फुसला कर भेज दिया, कहा कि अच्छे लोग हैं, अच्छा कमा कर लाएगा, बच्चे को लालच दे दी। अब बच्चा उनके एजेंट के बेकार में आ गया और वहाँ जाने के बाद 3-4 महीने तो सही था और अब तो न फोन आता है और न बातचीत करता है, न 1 रुपया भी हमको अभी भेजा है। जिस वक्त आपके लास्ट बच्चे से बातचीत हुई थी, किस तरह उसने अपनी पीड़ा बताई थी? उसने कहा कि पापा जी है ना खाना भी सही नहीं देते हैं और सुबह नाश्ते में भी बासी खाना देते हैं, रात का बचा हुआ जो, और मैं परेशान हूँ, मुझे जल्दी बुला लो। मारपीट वगैरह करते? मारपीट भी करते हैं, सारा दिन में भी काम कराते हैं, रात को भी काम कराते हैं, सोने भी नहीं देते। और बच्चा ने कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मैंने जो ख्वाब देखे थे वो तो मेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन अब मेरे को कैसे भी करके पापा जी आप बुला दो। एक लाचार पिता और एक बेबस माँ पथराई आंखों से अपने लाल का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें यह इंतजार अंतहीन नजर आ रहा है। उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि कहने को देश ने विदेशों में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम बना रखा है, लेकिन उनके इस मामले में वो सिस्टम भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। फिर मेरे से बात हुई, पापा जी ऐसी बात है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ करो आप। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसे तेरे को समझ में आए वैसा कर, मेरे को टाइम था नहीं। फिर वो उसकी मौसी के द्वारा अजमेर फिर वापस आया, फिर उनसे मिला, फिर उसने वही 80,000 वाली बात कही। फिर उसका आना जाना भी जयपुर होता था, विजय शर्मा एक बार जयपुर आ गया, फिर जयपुर मौसी और मौसा जी से बच्चा मिलके और उसको वहीं पर 42,000 रुपये भाई केस दे दिए। केस देने के बाद में उसने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू उसने बैरागढ़ में करवाया, भोपाल जो उसका सेठ है दीपक वतनामी,
जमुना, पिताजी का नाम जमुना दास वतनामी। अभी कितना समय हो गया आपके बच्चे को साउथ अफ्रीका? बच्चे को गए हुए 13 महीने हो गए, वो यहाँ से रवाना हुआ है 30/7/12 को, 30/7/2012 को रवाना हुआ है। रवाना होने के बाद वो ठीक 3 महीने तक बिल्कुल सही रहा है। उसको जिस फर्म पे भेजा गया था एसवी इलेक्ट्रिकल पे, वो 3 महीने तक वहाँ रहा, फिर उसको वहाँ से हटा करके न जाने कहाँ सेट कर दिया। वो हन्ना तो हमको मालूम ना, एजेंट को मालूम ना, सेठ को, सेठ ने तो खैर बिठाया ही है, लेकिन बच्चे को मालूम नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा।